मोदी प्रचार मंत्री है, हमें नया प्रधानमंत्री चाहिए। नोटबंदी व जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। सोमवार को सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी के लिए लखीमपुर की जनता को सपा प्रत्याशी पूर्वी वर्मा के लिए वोट देने के लिए जनता से अपील की। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी पर बोला हमला। कहा, मोदी प्रचार मंत्री हैं, हमें नया प्रधानमंत्री चाहिए। बाबा योगी किसी की नहीं सुनते हैं, जनता परेशान है। लखीमपुर की जनता में अखिलेश यादव ने ये वादा किया कि अपनी मार्कशीट ले, 10वें 12वें की और दौड़ के दिखा रहे हैं, जो आगे होगा अपने आप भर्ती हो जाएगा, कहीं उसे कुछ करना नहीं पड़ेगा। हो सकते हैं मेरे पास खड़े हो कुछ नए लोग, ड्यूटी पे आए हो, ये मेरिट वाले भी हो सकता है ड्यूटी पे आए हो, ये आसान भर्ती वाले हैं। इसी तरह की व्यवस्था दिल्ली में भी होनी चाहिए, चाहे फौज हो, चाहे पैरामिलिट्री, समाजवादी हो, महागठबंधन के लोग आएंगे तो वहां भी परेशानी होगी। केवल 10वां मारना और तौर से दिखा देना अपने आप भर्ती होगी, ये चुनाव नौजवानों करने जाए। क्योंकि सीमा पर सुरक्षा कौन करता है, हमारे किसान का बेटा, ये तो केवल राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के लोग, देश की रक्षा पर भी राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के लोग। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है इसलिए हमारी सीमा सुरक्षित है। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारे नौजवान और जवान जो वहां पर खड़े हैं, उनकी वजह से हमारी सीमा सुरक्षित है, बीजेपी की वजह से सीमा नहीं सुरक्षित है। बीजेपी धोखा दे रही है, बोलो, हर बार में धोखा दिया कि नहीं दिया? आज वो 2014 में जो घोषणा पत्र जारी किया था उसके बारे में नहीं चर्चा कर रहे,